नमस्कार, ओम शांति। मैं हूँ श्रेया और आप देख रहे हैं पीस न्यूज। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। बेंगलुरु में कला एवं संस्कृति प्रभाग का विशाल कार्यक्रम, कई प्रतिष्ठित और मशहूर कलाकार रहे मौजूद। भारतीय संस्कृति द्वारा कलाकारों के सशक्तिकरण का प्रयास। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत महाराष्ट्र के मुरू में भव्य आयोजन। प्रदेश युवक कांग्रेस उपाध्यक्ष शरणजीत पाटिल हुए शामिल। हिमाचल प्रदेश के पालमपुर ब्रह्मा कुमारीज द्वारा संत सम्मेलन। पूरे प्रदेश से संत महात्मा आए एक मंच पर, एकजुटता का दिया संदेश। और कैरिबियाई देश एंटीगुआ और बारबुडा में रॉयल पुलिस फोर्स के पुलिस कमिश्नर से बीके पायल की मुलाकात। रक्षाबंधन का आध्यात्मिक रहस्य बताते हुए बांधा रक्षा सूत्र। अब खबरें विस्तार से। बेंगलुरु के कुमारापाक सब जोन और कला एवं संस्कृति प्रभाग द्वारा रिजुविनेटिंग ग्लोरियस इंडियन कल्चर विषय पर विशाल कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसका मकसद दया, करुणा, अहिंसा और देवत्व का संदेश देने वाली भारतीय संस्कृति द्वारा कलाकारों का सशक्तिकरण करना रहा, जिसमें प्रसिद्ध कन्नड़ प्लेबैक सिंगर सुमित्रा, केएस ग्रुप के पूर्व ट्रेजरर डी रुकमंगधा बाबू, प्रसिद्ध क्लासिकल डांसर गुरु कला मंडलम डॉक्टर उषा दत्तर, सिंगर डॉक्टर गोपी समेत कई दिग्गज कलाकार शामिल हुए। रविंद्र कला क्षेत्र ऑडिटोरियम में आयोजित हुए इस कार्यक्रम में कलाकारों ने अपनी अद्भुत कला का प्रदर्शन किया, जिसका सभागार में मौजूद 600 लोगों ने आनंद लिया। इस दौरान बेंगलुरु सबजोन प्रभारी बीके सरोजा ने डॉक्टर बीके ज्योति हलगी द्वारा लिखी पुस्तक विश्व मुकुटमणि भारत भाग्य विधाता का विमोचन भी किया। साथ ही साथ देश को आजाद कराने वाले शूर वीरों के योगदान और जीवन में माँ, मातृभाषा, गुरु एवं ईश्वर के महत्व की ओर सभी का ध्यान खिंचवाया। कार्यक्रम के अंतिम दौर में कल्तरु प्रोजेक्ट की जानकारी देते हुए सभी को वृक्षारोपण के लिए पौधे भी वितरित किए। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत महाराष्ट्र के मुरू में भव्य प्रोग्राम का आयोजन किया गया, जिसमें महाराष्ट्र युवक कांग्रेस के उपाध्यक्ष शरणजी पाटिल, माउंट आबू से आए बी के छोटेलाल, सहायक पुलिस निरीक्षक डॉक्टर रंगनाथ जगताप, उमरगा पंचायत समिति के पूर्व अध्यक्ष सचिन पाटिल, उद्योगपति रविन्द्र कन्नूरे, पूर्व चुनाव अधिकारी तुकाराम मस्के, मुरुम सेवा केंद्र के निदेशक राजू भाई भालकाटे, लोहारा सेवा केंद्र प्रभारी बी के सरिता मुख्य रूप से उपस्थित रही। यह मौका देश की आजादी के 75 साल को सेलिब्रेट करने के साथ सोलापुर सबजोन प्रभारी बीके सोम प्रभा दीदी के 75वीं सालगिरह का भी था, जिसे सभी ने धूमधाम से मनाया। कार्यक्रम में शरणजी पाटिल ने अपने उद्बोधन में कहा कि पूरी दुनिया में चल रही हलचल के बावजूद भी ब्रह्मा कुमारी संस्थान समाज में शांति और भाईचारे का संदेश फैलाने के लिए लगातार प्रयासरत है। इसके बाद बीके छोटेलाल ने सोमप्रभा दीदी की अथक सेवाओं की चर्चा करते हुए उनसे प्रेरणा लेने की बात कही। कुछ सालों पहले मैं जब आया था यहाँ पर, तो हमने देखा कोई बड़ा प्रोग्राम था जिसके अंदर बहन जी दो दिन से कंटिन्यू सेवा करती नहीं, रेस्ट भी नहीं। ब्रह्म कुमारी विश्वविद्यालय के माध्यम से हमारे मिशन में इस दुनिया में शांति एवं हम सब में भाईचारा रहे, इस माध्यम से काम करने का प्रयास इस विश्वविद्यालय से हो रहा है। शहर में प्रकृति के संरक्षण और शांति का संदेश देने के लिए साइकिल रैली का भी आयोजन किया गया और सभी अतिथियों ने वृक्षारोपण भी किया। हिमाचल प्रदेश के पालमपुर में ब्रह्मा कुमारी कैलाश मान सरोवर राज्य भवन में संत सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें कई संस्थाओं के संत, महंत और महामंडलेश्वर शामिल हुए। आपसी प्रेम और सनातन संस्कृति का प्रचार प्रसार करने के लिए आयोजित इस सम्मेलन में संतों ने कहा कि हम सब एक ही पिता परमात्मा के बच्चे हैं,
इसीलिए हमें एकजुट होकर ईश्वरीय कार्य को बढ़ावा देना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने आयोजन के लिए ब्रह्मकुमारी संस्था की सराहना की। इसके बाद सेवा केंद्र प्रभारी बीके प्रेम दीदी ने सभी को धन्यवाद करते हुए ईश्वर द्वारा सिखाए जा रहे राजयोग की विधि जानने के लिए सेवा केंद्र पर आने का निमंत्रण दिया। पश्चिम बंगाल के बरोबिशा में सड़क सुरक्षा मोटरसाइकिल रैली का आयोजन हुआ। यह रैली बरोबिशा पुलिस स्टेशन से शुरू होकर अलीपुर द्वार होते हुए कुछ बेहार में समाप्त हुई। रैली के शुरुआत में बरोबिशा सिटीजन फोरम के प्रेसिडेंट उमेश दास समेत कई जाने माने लोग उपस्थित रहे, जिन्हें बरोबिशा सेवा केंद्र प्रभारी बीके आशा ने सड़क दुर्घटना से बचने के लिए यातायात नियमों को पूर्ण रीति से पालन करने का संदेश दिया। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत और संस्था के मेडिकल प्रभाग के सहयोग से डॉक्टर्स के सम्मान में छत्तीसगढ़ के बालोद, यूपी के बरेली, पंजाब के तपा और अरुणाचल प्रदेश के चेखाम में कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें बीके बहनों ने कोरोना काल में चिकित्सकों द्वारा की गई मानवता की सेवाओं के लिए सम्मान किया। आइए देखते हैं उनकी एक झलक। अब कुछ खबरें एक नजर में। यूपी के आगरा में आर्ट गैलरी म्यूजियम के संचालिका बीके मधु, बीके संगीता और बीके सूरजमुखी ने पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री से की मुलाकात। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत संस्था द्वारा की जा रही सेवाओं की संक्षिप्त में दी जानकारी। अमेरिका के साउथ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी ने बीके गीता को प्रदान की डॉक्टरेट की मानद उपाधि। काउंसलिंग एंड स्पिरिचुअल हेल्थ कैटेगरी के लिए दी है डॉक्टरेट की उपाधि। बीके गीता दीदी को मिली इस उपाधि को लेकर राजस्थान के भीनमाल सेवा केंद्र पर कार्यक्रम। स्थानीय नागरिक और कई समाज सेवी संस्थाओं ने किया बीके गीता दीदी का सम्मान। मौके पर गीता दीदी ने कल्पतरु प्रोजेक्ट की जानकारी देते हुए पौधे किए वितरित। बिलासपुर के नव पदस्थ कलेक्टर सौरभ कुमार को तालापारा सेवा केंद्र की बीके गायत्री और बीके ईश्वरी बहन ने दी बधाई। राजयोग मेडिटेशन का प्रशिक्षण लेने के लिए सेवा केंद्र पर आने का दिया निमंत्रण। बिलासपुर केंद्रीय जेल में कैदियों के लिए ब्रह्मा कुमारीज द्वारा आध्यात्मिक कार्यक्रम। बीके भगवान ने कैदियों को कहा कि आप जेल को जेल नहीं सुधार गृह समझो और राज्यों की मदद से अपनी कमी कमजोरियों पर विजय प्राप्त करने की कही बात। कार्यक्रम में जेल अधीक्षक SS तिग्गा और तालापारा सेवा केंद्र प्रभारी बीके रमा भी रहे उपस्थित। वरिष्ठ राजयोगी बीके सूरज भाई जी पहुंचे छत्तीसगढ़ के दुर्ग। बने फरिश्ता ब्रह्मा बाबा जैसा विषय पर गहन तपस्या कार्यक्रम। बीके सूरज भाई ने फरिश्ता बनने के लिए सबसे पहले सदा खुश रहने का दिया मंत्र। बीके रुपेश और बीके गीता भी कार्यक्रम में रहे उपस्थित। कमेंट्री द्वारा कराया राजयोग का अभ्यास। सेवा केंद्र प्रभारी बीके रीटा दीदी के मार्गदर्शन में आयोजित रहा पूरा कार्यक्रम। इंडियन नेवी के वॉइस एडमिरल SN घोरमड़े पहुंचे गुजरात के गांधीनगर सेवा केंद्र। सेवा केंद्र प्रभारी बीके कैलाश और मधुबन के वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके उषा दीदी ने किया स्वागत। अपनी ऑफिशियल मीटिंग के चलते घोरमड़े जी का गांधीनगर हुआ था आना। बीके उषा दीदी से ज्ञान चर्चा के दौरान घोरमड़े जी ने कहा कि ब्रह्मा कुमारी इसका आध्यात्मिक ज्ञान बहुत ही साइंटिफिक है। यूपी के हाथरस स्थित सीमैक्स इंटरनेशनल स्कूल में आनंदपुरी सेवा केंद्र द्वारा कार्यशाला। बीके शांता ने सकारात्मक सोच और मेहनत को बताया सफलता का मूल आधार। भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन जयपाल सिंह और स्कूल के प्रिंसिपल मुकेश कुमार शर्मा ने भी बच्चों को भविष्य के लिए आशावादी और सकारात्मक सोच रखने की कही बात। यूपी के पुखराया सेवा केंद्र पर आयोजित कल्पतरु कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री माननीय राकेश सचान का हुआ आगमन। वृक्षारोपण कर प्रकृति के संरक्षण का दिया संदेश। सेवा केंद्र प्रभारी बीके ममता ने मंत्री जी को भेंट की ईश्वरी सौगात। आध्यात्मिक जीवन में उन्नति के लिए छत्तीसगढ़ के रायपुर में योग साधना कार्यक्रम। वरिष्ठ राजयोग बीके सूरज भाई ने जीवन का सच्चा आनंद लेने के लिए आत्मनिरीक्षण कर कमजोरियों को दूर करने का दिया सुझाव। रायपुर के क्षेत्रीय संचालिका बीके कमला दीदी, बीके रुपेश, बीके गीता बहन ने भी किया सभी का मार्गदर्शन। मध्य प्रदेश के रीवा सेवा केंद्र पर अभियंताओं के लिए कार्यक्रम।
वैज्ञानिक एवं अभियंता प्रभाग के राष्ट्रीय संयोजक बीके भारत भूषण भाई रहे कार्यक्रम के मुख्य वक्ता। बीके भारत भूषण भाई ने प्रसन्नता कायम रखने के लिए अपने स्वभाव में आध्यात्मिक मूल्यों को समाहित करने का दिया सुझाव। सेवा केंद्र प्रभारी बीके निर्मला की प्रेरणा से आयोजित रहा यह कार्यक्रम। मध्य प्रदेश के बेतुल सेवा केंद्र पर महिलाओं के लिए सम्मेलन, 500 से अधिक महिलाएं सम्मेलन में हुई शामिल। भाजपा जिला उपाध्यक्ष रश्मि साहू, बेतुल थाना प्रभारी अपाला सिंह और आरडी स्कूल की डायरेक्टर ऋतु खंडेलवाल रही मुख्य अतिथि। सेवा केंद्र प्रभारी बीके मंजू ने महिलाओं को वास्तविक सशक्तिकरण के लिए अध्यात्म और राज्यों को जीवन में शामिल करने का दिया सुझाव। अतिथियों ने कार्यक्रम की प्रशंसा करते हुए आगे भी ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन करते रहने की अपील की। अब खबर अंतर्राष्ट्रीय जगत की। कैरेबियाई देश एंटीगुआ और बारबुडा में राजयोगा टीचर बीके पायल ने रॉयल पुलिस फोर्स के पुलिस कमिश्नर एटली पैट्रिक रॉडनी से मुलाकात की और उन्हें भारतीय पर्व रक्षा बंधन का स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस बताते हुए रक्षा सूत्र बांधा। ऐसे ही कुछ दिनों पहले बीके पायल का रेडियो होस्ट डेव लेस्टर पायने ने रेडियो शो के दौरान इंटरव्यू लिया, जिसमें बीके पायल ने राजयोगा मेडिटेशन टेक्निक से जुड़े उत्सुकता भरे सवालों का जवाब दिया। आज के बुलेटिन में बस इतना ही, और नई खबरों के साथ हम फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए लेती हूँ इजाजत। नमस्कार, ओम शांति।